कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 16 और विषय हमारा सामान्य कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप देख रहे होंगे कि दिन पर दिन जो भी एग्जाम होते जा रहे हैं डे बाय डे, उनमें कंप्यूटर की लगातार क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक हफ्ते में आपको एक कंप्यूटर की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं और एक कंप्यूटर का टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, सीट, रेलवे ग्रुप सी या एसआई पुलिस वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो उनमें कंप्यूटर के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और बैंक में तो बैंकिंग, अगर आप एपीओ या बैंक का क्लरिकल का कोई भी एग्जाम देते हो, तो 30 से 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास को अटेंड करें, और चाहे तो नोट्स बना ले और चाहे एक से दो बार सुन ले इस क्लास को। तो चलिए आइए देखते हैं। विषय जनरल कंप्यूटर और टेस्ट नंबर 16, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का जाल, मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन प्रदान करता है उसका जाल। सूचना तंत्र सी, सूचनाओं का राजपथ डी, उपरोक्त सभी। देखिए, जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का, उसे जाल भी कह सकते हैं आप, सूचना तंत्र भी कह सकते हैं आप, राजपथ भी आप कह सकते हैं, और सूचनाओं का राजपथ भी कहते हैं, और उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन कंप्यूटर पद नहीं है। कंप्यूटर पद नहीं है, पद मतलब जिसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या फिर मॉडेम, बताइए किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। इसमें जो कंप्यूटर से संबंध नहीं है वो है एनालॉग का, बाकी बाइनरी कोड का भी संबंध है, चिप का भी है और मॉडेम का भी है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है एनालॉग, नहीं है, नहीं पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर जो वेब पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। मतलब अगर हमने कोई वेबसाइट खोल ली, तो वेबसाइट खोल के कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो हमारे सामने पेज आता है पहला पेज, तो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज या फिर सभी, बताइए उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे होम पेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका होम पेज। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, एक्स्ट्रानेट को, इंट्रानेट को, वेबनेट को या फिर इंटरनेट को, बताइए। नेटवर्कों का नेटवर्क, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क या नेटवर्कों का जाल इंटरनेट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी संगठन के वेबसाइट का .com ये लिखा हुआ .com अनसूचित करता है, मतलब ये जो .com है ये किस चीज को सूचित करता है या बताता है। ए, कॉमर्शियल, कमांड या फिर कंपनी को, बताइए किस चीज को ये सूचित करता है। .com जो सूचित करता है, .com से जो पता चलता है वो पता चलता है कॉमर्शियल का, व्यापार का, व्यापारिक चीजों का, ठीक है, या व्यापारिक वेबसाइट का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट या फिर ऑर्कुट, बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इसमें जो सर्च इंजन नहीं है, देखो गूगल भी है, आर्कुट भी है, अल्टा विस्टा भी है,
लेकिन अगर नहीं है तो वो है साइंस डायरेक्ट। ये एक वैसी ही शब्दावली है साइंस डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च शोध परियोजना, मतलब अगर हमें हाई लेवल का रिसर्च करना है, शोध करना है, परियोजना अभिकरण निम्न में किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, बताइए। उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्न में किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, वेबसाइट, इंटरनेट, ऑनलाइन या फिर ईमेल, बताइए किसके लिए उत्तरदायी है। यह है इंटरनेट के लिए, इंटरनेट। उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्न में किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, उच्च शोध जो हाई लेवल का शोध होता है वो इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 8, वेब अस्तित्व में आया, मतलब जो वेब है इसका जन्म कहां पर होता है, वेब ब्राउजर भी कह सकते हैं आप इसे, वेब भी कह सकते हैं आप इसे शॉर्ट में, तो वेब का जो जन्म हुआ है वो किस देश में हुआ है, भारत में, जापान में, अमेरिका में या फिर रूस में, बताइए। वेब का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अमेरिका में, कहां पर, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, बताइए। इंटरनेट पर जो प्रयोग होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो क्या है, HTML, HTTP, TCP या IP, IP एड्रेस, दी जावा, बताइए क्या है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो है TCP या IP, सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है HTML का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बतानी है HTML की। ए ऑप्शन H4 हायर, T4 ट्रांसफर, M4 मार्कअप, L4 लैंग्वेज। बी ऑप्शन कह रहा है H4 हाइपर होता है, T4 टेक्स्ट होता है, M4 मार्कअप होता है और L4 लैंग्वेज होता है। सी ऑप्शन है केवल पहला और डी ऑप्शन है केवल दूसरा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है केवल दूसरा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वेब पर किसी खास कंप्यूटर को और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानते हैं, जो वेब ब्राउजर होता है किसी खास कंप्यूटर को और पूरी साइट के मेन पेज को, जो मेन फ्रंट पेज होता है को कौन पहचानता है, ए डोमेन नेम से, बी हाइपर लिंक से, सी URL से, बताइए किससे पहचानता है, URL से। बताइए, वेरी गुड, यह है URL, URL जो कोड होता है उससे पहचानता है, यह खुद ऑटोमेटिक सर्च कर लेता है किसी भी चीज को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, URL HTTP www.http में होता है, होस्ट, डोमेन नेम या फिर प्रोटोकॉल या फिर डोमेन एड्रेस, बताइए क्या होता है। इसमें होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है, मतलब सभी वेबसाइट और वेब पेज जो एक निश्चित या फिक्स समय में हमने देखे हैं उनकी जानकारी हमें कहां मिलती है या मिल जाती है, स्टेटस बार में, हिस्ट्री लिस्ट में, टूल बार में या फिर टास्क बार में, बताइए उनकी जानकारी हमें कहां मिल जाती है। वेरी गुड, बताइए
बताइए, उनकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हिस्ट्री लिस्ट में। कहां? हिस्ट्री लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, बी पुलिंग, सी पुशिंग, डी सफरिंग। बताइए उसे क्या कहते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो कहते हैं डाउनलोड। अगर हम कोई आंसर चाहिए या कोई चीज हमें खोजनी है या देखनी है तो आपने देखा एक प्रोसेस होता है, डाउनलोडिंग होता है, तो उसे डाउनलोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट डॉट डॉट की पहचान स्थापित करता है। बताइए, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है, मतलब किसकी पहचान ये स्थापित करता है? लिंक की, वेबसाइट की, पीडीएफ की, या फिर वेब ब्राउजर की? बताइए किसकी पहचान ये? ये पहचान जो स्थापित करता है वेबसाइट की, इसमें वेबसाइट आ जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दाएं, किसी भी वेब पेज को लोड करने के लिए दाएं बटन दबाया जाता है, कौन सा? रीडू, रीलोड, रिफ्रेश या कंट्रोल? बताइए, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दाएं, कौन सा दाया बटन? यह होता है रिफ्रेश का, रिफ्रेश जो होता है वो बटन दबाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट पर www ट्रिपल w का अर्थ क्या है? अर्थ है वर्ड्स वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वर्ड्स, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इंटरनेट पर ट्रिपल w का अर्थ है, हम कोई भी साइट की खोज करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर वायरस होता है एक, क्या होता है जो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया, फफूद या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? बताइए कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर जो वायरस है वो होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पॉम किस विषय से संबंधित है? स्पॉम तो ये किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। बताइए स्पॉम जो शब्दावली है वो किस से संबंधित है? ये जो है आपका कंप्यूटर से संबंधित है स्पॉम। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? मूविंग, कॉपिंग या मॉनिटरिंग? बताइए कंप्यूटर में फायरवॉल का जो मुख्य काम है वो क्या है? इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो सभी प्यारे और छात्र छात्राओं और शिक्षकों अध्यापकों एंड सभी मित्रों, ये थी आज की हमारी क्लास जो टेस्ट नंबर 16 है जनरल कंप्यूटर से। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आईएएस से लेके पीसीएस, ग्रुप सी, पुलिस, एसआई, टेट, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, एक्सप्रेस क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड करें और आप चाहे तो नोट्स बना लें और नहीं तो 2 से 3 बार इसे सुन लें। आपकी अगर कोई भी समस्या रह जाती है इसके बाद तो आप लोगों का वेलकम है, आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा।
आप भी जुड़ के काम करिएगा, कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा। जैसे किसी भी काम को करने के लिए एक एक चीजों की आवश्यकता होती है, एक एक ईंट की आवश्यकता होती है, तभी इमारत तैयार होती है। वही कंपटीशन की तैयारी की बात है कि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें एक एक ईंट, एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब हम जाके एग्जाम को फाइट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।